22 साल का लड़का। और क्या ऑक्सीजन लेवल थी उसकी? ऑक्सीजन लेवल तो आई ना था 20 के आसपास था, जिसने करा ठंडा पड़ा हुआ था बिल्कुल। उसके बाद से फिट्स पड़ा, उसे लगाई ऑक्सीजन, धीरे 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 कवर करते करते हाथ अकड़ने लग पड़े थे उसके बेचारे के। उसे हाथ रब करे, उसे पूरा ऑक्सीजन दी, मात्र 10 मिनट के अंदर उसकी ऑक्सीजन 92 थी। और उसके बाद जैसे उसके हाथ गर्म हुए ना, और कितने यहाँ मर जाते हैं। मुझे लगता है कम से कम डेली 400 बंदा जिंदगी लेके जा रहा है। कम से कम 400 बंदा। सिख कौम को तो टाइम आने पे 84 पे बदनाम किया गया, 26 जनवरी जो लास्ट गई उस पर बदनाम किया गया, पर जब भी आपदा आई है तो शायद हम सिख पागल होते हैं, हमसे कोई किसी भी इंसान की दर्द नहीं देखा जाता, तो इस करके हम सब भूल जाते हैं और फिर सेवा में लग जाते हैं। अब मैं करीब 50 सिलेंडर हैं जिसकी सेवा से इन पेशेंटों को जीवनदान मिल रहा है, उसमें कुछ रिफिल बार बार हो जाते हैं, कोई 1, 2, 4 ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। 50 सिलेंडर या 55 सिलेंडर होंगे जिससे चल रहा, अभी काउंटिंग भी पूरी नहीं है, तो उन्हीं से हम इन लोगों की जान बचा रहे हैं। और ये चीज़ें हमारी 36 घंटे हो गए, ये हमारी जो कार्रवाई चलते हुए करीब 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स की हम अभी तक जान बचा चुके हैं यहाँ पे गुरुद्वारा इंदिरापुरम। तो सर यहाँ एक बार में कितने सिलेंडर यूज़ होते हैं? मैडम एक बार क्या, 2 घंटे के अंदर 4-5 सिलेंडर हमारे लग जाते हैं। आप देख रहे हैं गाड़ी की लाइनें कहाँ तक लगी हुई हैं, तो हमारे 2 या 2.5 घंटे में 4 से 5 सिलेंडर की खपत आती है, जिसमें हमारे आग मान के चलिए कई पेशेंट की लाइफ यहाँ पे सिक्योर हो जाती है। उससे हम सबसे पहले देखते हैं सबसे लेवल किसका कम है ऑक्सीजन का, उसी को पहले प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पे कोई मर्सिडीज में आता तो भी उसको हम उतनी प्रायोरिटी देते हैं, कोई रिक्शे पे आता हम उसको भी उतना अटेंड करते हैं। आप देख सकते हैं लोग लेटे हुए हैं उनको भी ऑक्सीजन दे रखी है, यानी जो हम गाड़ी वाले को अटेंड करते हैं, हर बंदे को अटेंड करते हैं, यही मानवता है यहाँ की। सर आपके पास डॉक्टर नर्स कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं यहाँ पे? मैडम डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर सब हम खुद वॉलंटियर्स ही हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एज अ हॉस्पिटल ट्रीट नहीं कर रहे, बट एक ऑक्सीजन की जो कमी है वो हम अपने उनके पेशेंट्स में पूरी कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ऑक्सोमीटर है, हमारे पास ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उन्हीं से भरोसे हम ये सारा काम हम दे रहे हैं, इन लोगों की सेवा दे रहे हैं। कितने ये बता सकते हैं कितने ऑक्सीमीटर है? मैडम अभी तक तो पता नहीं, 200-400-500 तो खो ही गए हैं, लोग साथ में ले गए हैं। अच्छा। उसका काउंटिंग तो कुछ हो ही नहीं रही। अच्छा। फ्लो मीटर है कम से कम 2-2.5-3 लाख के फ्लो मीटर आ चुके हैं। जो फ्लो मीटर बाजार में 600-700 का था, आज 3-4 हजार रुपए का मिल रहा है। पर हम कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हमें जितने का परचेज करना पड़े हम उतने का परचेज कर रहे हैं। आप देखिए किसान आंदोलन में इतने लोग मरे, इतना प्रॉब्लम आई, सब कुछ आया, वहाँ भी हमारी चल रही है सेवा, हमने वहाँ भी सेवा की। तो किसान आंदोलन का जो फाइट है वो सरकार के अगेंस्ट है, अब सरकार उसको फाइट ना माने, ये बेवकूफ़ आगे बैठे हैं, इनके पास काम नहीं है, वो उनके व्यूज़ है। आज सरकार को जो सहायता देनी पड़ रही थी इन लोगों को, वो सहायता हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रही है, बट हमारी सिख कौम ने कभी अपनी जिम्मेवारी पीछे नहीं हटे। आज अगर इस देश को बचाया हमने, जब जब इस देश में आपदा आई है, अब देखेंगे हमारी 2% हमारी पूरी पॉपुलेशन है पूरे इस इंडिया में, पर 2% नहीं हमेशा इंडिया को सेव किया, आगे भी करते रहेंगे। एक निशान साहब के नीचे ही आज लोग जान की इनकी जान बख्शी जा रही है, इनको जान मिल रही है, वही निशान साहब लाल किले में लगा, तो हमारी लोगों को हमारी तरफ देखने का नजरिया ही टेढ़ा हो गया कि पता नहीं ये खालिस्तानी उग्रवादी है, आज यही खालिस्तानी यही उग्रवादी, आज कोई भी कौम के बंदे की हम नहीं देख रहे किस कौम का, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम कुछ नहीं देखते, हम देखते हैं कि इंसानियत है, उस बंदे को प्रॉब्लम क्या है, किसको पहले ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसकी सेवा की जाए। एक ही 2 सिलेंडरों से ही 20 आदमियों को गैस मिल जाएगी एक साथ, तो पूरा हमने लाइन बनाई है यहाँ से लेके वहाँ लास्ट तक का बिल्कुल। ये पाइपलाइन है सर? पाइपलाइन है, गैस एक सिलेंडर अंदर लगेगा, एक बीच में एक उधर, 4 सिलेंडरों से 3 सिलेंडरों से 20 आदमियों को एक साथ गैस मिल जाएगी। अच्छा। Families who travel to as far as Meerut and Bagpat to admit their patients land up here since they fail to get help anywhere else. जब कहीं से भी कोई हमें एड नहीं मिली क्योंकि पल्स डाउन होती आ रही है और वो 31 के आसपास पहुँच चुकी है, तो हम यहाँ इंदिरापुरम आए और अब यहाँ से भी ऑक्सीजन बस मिल रही है, नाम के लिए मिलती है, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि आप कहीं एडमिट कराइए, पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल पोजिशन में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोनी से आए हैं? हाँ जी, लोनी से। आपको कहीं बेड नहीं मिला? नहीं जी सर, कहीं भी बेड नहीं मिला हमको, और कहीं सुविधा नहीं मिली, कोई हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं मिली कोई। कौन से हॉस्पिटल गए? हम 3-4 हॉस्पिटल गए, बड़ौद में भी गए और यहाँ भी मनीष तोमर के बड़ौद में भी गए और बागपत गए है, बागपत सरकारी हॉस्पिटल है और कलेक्ट्रेट पे
कलेक्टेड पे है ये सरकारी हॉस्पिटल, हम दो तीन जगह गए वहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं मिली। क्योंकि यूपी सरकार कहती है कि आपको हर एक हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा, यहाँ मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं अपना पेशेंट लेके गया, इन्होंने साफ मना कर दिया, और मेरे सामने एक और दूसरा पेशेंट आया, इन्होंने उसको लिया, और फिर यहाँ तक मैं बताऊँ मैक्स में भी गया, वहाँ पे भी मुझे सिर्फ बोला कि यहाँ कोविड के लिए कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। आप किसको लेकर आए हैं? मेरे बड़े भाई, भाई साहब है जो मर रहे हैं बेचारे गरीब आदमी, उनको कोई सुनवाई नहीं है जी। सरकार कोई सुनने दावा कोई करती है लेकिन सारे दावा उसके फेल है सरकार। हम चार जगह जी कोई नहीं लिया जी, बताओ जी हम क्या कर सकते, बताओ जी तो सेवा है जी, थोड़ा बता के हेल्प मिल रहा है, अब क्या कर सकते बताओ जी। हम घूमे चारों तरफ, 5,000 लग गया, कोई फायदा भी नहीं हुआ जी। दो बार टेम्पू ले गए, टेम्पू वापिस ला दिए यहीं पे, फिर 1,000 जेब से लग गया, 1500 रुपया, कुछ काम नहीं हुआ जी हमारा जी, बताओ जी हम क्या करें बताओ जी। मैं खुद फरीदाबाद से गैस के सिलेंडर लेके आया हूँ जी, वहाँ से फरीदाबाद से अपने हरियाणा से भरवा कर गैस सिलेंडर यहाँ लाया हूँ पेशेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए, फिर यहाँ सेवा मिल रहा है हमें गैस से। लेकिन यहाँ जैसे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल बढ़ा मेरे पेशेंट का, मैंने ट्राई करा कि आसपास में जो भी हॉस्पिटल है मैं वहाँ इनको एडमिट कराऊँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी लेने राजी नहीं, लेने को राजी नहीं, बात करने को राजी नहीं है जी। कोई मांगते है, कोई एम्बुलेंस मांग रहा है 2020 मांग रहा है, कोई 25 मांग रहा है, वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ छोड़ देंगे। अरे वहाँ छोड़ दोगे तो भर्ती तो कराओ कम से कम। सुबह से मैं पेशेंट के साथ हूँ, एमएमजी हॉस्पिटल में थे, वहाँ से बिना सिलेंडर उन्होंने निकाल दिया, लेके बोल रहे यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, लेके जाओ पेशेंट को। जैसे एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद, और कब से एडमिट थे वो उसमें? वो हाँ परसों से थे, परसों से एडमिट थे। हाँ अच्छा, निकाल दिया कि लेके जाओ इनको, हम कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वहाँ से विदाउट सिलेंडर में लेके आया उनको यहाँ पे गुरुद्वारे पे, इनको रिलैक्स मिला थोड़ा सा। सर आप यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं, आपको कोविड का डर नहीं है? कहा नहीं, इसके सामने कोई कोविड का डर नहीं है। ये बाबा नानक है ना। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क लगा रखा है, हाथ सैनिटाइज करें, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, घर जाते हैं नहाते हैं और फिर अपनी मेडिसिन खाते रहते हैं साथ। They also lose some patients here who flatline. Ideally, these patients would need hospital care and in some cases, ventilatory support. They end up losing their battle against COVID. But some positive results keep the volunteers going and helping people. People also vented their frustration against the government, especially for continuing to maintain that things are fine and running smoothly. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और प्राइवेट के अंदर जितने भी मैंने धक्के लगा सकता था मैंने सब जगह कोशिश कर ली, कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि मैंने DM तक का फ़ोन मिला, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया, जबकि मैं खुद एडवोकेट हूँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन जितने दावे ठोक रहा है ना कि सब जगह पे एड मिल रही है, हर जगह पे फैसिलिटी है, कहीं कुछ नहीं है, सब फेल है, टोटली फेल है। ये उनसे पूछे जो पेशेंट की, यहाँ पे अभी एक पेशेंट लेकर गया, उनकी डेथ हो गई है गाड़ी के अंदर मेरे सामने, जिनके साथ में बीत रहे उनसे पूछे क्या हो रहा है उनके साथ में। अप्रोच है तो तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, वरना कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मोदी नगर जब मेरठ हम लोग थे वहाँ पे हमने पुलिस को बुलवाया, पुलिस वाले वहाँ के इंस्पेक्टर कहता है सर इनके पास जगह ही नहीं है। अरे तो जगह नहीं तो मैं बुलवाया क्यों था वहाँ से मोदी नगर से फोन करके? आप चीफ मिनिस्टर से क्या बोलेंगे इस बारे में? चीफ मिनिस्टर जो दावा करते हैं वो सब खोखले दावे हैं, कुछ नहीं है। ये लोग जो इतना कर रहे हैं ये तो इनके लिए बहुत 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 मैं कहता हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये सरकार तो बिल्कुल फेल है। BJP को सपोर्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि BJP कल को हमारा इससे खून चूसेगी। मैं खुद एक BJP का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ। मैं आज के बाद मैं कभी मोदी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा कहीं से कहीं तक भी। As volunteers thanked the Sikh community for coming to their rescue when no one would, head of the Gurdwara raises questions about the recent targeting of the community in the aftermath of the 26 January violence and farmer protests. The Gurdwara is doing its best, but it's not enough. Patients don't have continuous oxygen supply for themselves and have to share cylinders between each other. But this place serves as a ray of hope for those who have nowhere to go. For The Print, this is Shubhangi Mishra. For more, log on to theprint.in and follow us on our social media handles.